आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। वेलकम गाइस, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द रिएक्शन ऑफ आयरन नील विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डैश रिएक्शन। ओके, सो हमको बताने की जो रिएक्शन होती है आयरन नील की कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, वो कैसी रिएक्शन होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन होती क्या, मैं उसको इस पर डिस्कस करता हूँ। सो व्हेन एन आयरन नील इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसमें होता क्या, जो उस ब्राउन कोटिंग होती है ना कॉपर की, दैट इज फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द आयरन, ये ऑब्जर्व होता है। एंड द कलर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन, द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में पता है ब्लू होता है कॉपर सल्फेट। ओके, सो ब्लू से क्या हो जाता है ग्रीन में। सो उसका मतलब जो आयरन था, आयरन, सिंस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ओके, एंड आयरन पासिस इन टू द सॉल्यूशन एज Fe+2 ions एंड फेरेट सल्फेट सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। ओके, सो मतलब मैं अगर उसको शॉर्ट थोड़ा समरी में लिखूं, क्या होता है कि आयरन डिस्प्लेसेस क्या करता है, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड ओके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ एंड इन, ठीक है, एंड आयरन इज पासेस इनटू सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ, मैं लिख देता हूं, इन द फॉर्म ऑफ Fe+2 ions एंड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। ओके, व्हेन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बिकॉज, क्यों ऐसा हुआ क्यों, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके गाइज, सो होता क्या, अगर मैं रिएक्शन लिखूं सिंपल टर्म्स में, Fe+CuSO4 का जो एक्वस सॉल्यूशन था दैट विल गिव अस Fe+SO4+Cu ions। ओके, और कॉपर, ओके, जो एक कॉपर होता है दैट इज कोटेड ऑन द आयरन नेल, ब्राउन कलर की हो जाती है। ओके, सो तो जो इस इक्वेशन में ध्यान से देख सकते हैं, जो Fe था इनिशियली सॉलिड दैट इज कन्वर्टेड इनटू Fe+SO4 ion। सो इसने क्या किया, इसने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को रिप्लेस किया और कॉपर अलग कर दिया और Fe+SO4 बन गया। सो हुआ क्या, इसने इसको डिस्प्लेस किया। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच पार्ट ऑफ वन रिएक्टेंट इज रिप्लेस बाय अनदर रिएक्टेंट। ओके, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट इन विच टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंजेस आयंस। ओके, सो और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है व्हेन टू और मोर कंपाउंड फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। ओके, और जो और कौन सी बची, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है इन विच व्हेन कंपाउंड इज ब्रोकन और जो एक कंपाउंड है वो दो या एक से या ज्यादा दूसरे पार्ट्स में टूट रहा है, तो वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर से बोलता हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंजेस आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। ओके, सो इसमें हुआ कि इसमें सिर्फ सिंगल आयन रिप्लेस हुआ, सिर्फ कॉपर को रिप्लेस किया, डबल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ। सो सिर्फ सिंपली एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके गाइज, ना ही ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ना ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ना ही ये डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइज, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।